हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल आरएसआईएस स्टडी 1424। फ्रेंड्स, सेंटर चेंज के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम आ रही थी, सुबह वीडियो अपलोड किए थे फ्रेंड्स, तो उसका प्रॉब्लम फिक्स हो गया फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। जो प्रॉब्लम फिक्स हुआ है, कैसे फिक्स हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। जो भी स्टूडेंट्स सुबह से काफ़ी परेशान थे, उनका सेंटर चेंज नहीं हो पा रहा था, ओटीपी नहीं आ रहा था। ओटीपी की वजह से, क्योंकि किसी के मेल पे ओटीपी आ रहा था तो किसी के फ़ोन पे ओटीपी नहीं आ रहा था, तो वो सब प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है फ्रेंड्स। यूपीएससी को मेल भी किया था और कॉल भी किए थे, तो मेल का रिप्लाई तो नहीं आया, लेकिन उसको काफ़ी सुबह से काफ़ी वर्क कर रहे थे फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए काफ़ी वर्क किए। तो रिसर्च करने के बाद हमें सोल्यूशन मिल गया इसका। तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखें लास्ट तक, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके सब स्टूडेंट्स को शेयर करें फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि देखिए, यहाँ से देखिए इसमें है, और देखिए, हाँ फ्रेंड्स, देखिए इसमें 10th पे ये लिखा हुआ है कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीसन चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ अप्लीकेशन एंड ऑटो जनरेटेड ई मेल एंड एसएमएस विल बी सेंड रजिस्टर्ड जो है कैंडिडेट को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे चला जाएगा रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या था कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है किसी को, तो यूपीएससी की जो मेल निक डॉट इन, इस पर आप लोग मेल कर सकते हैं। मैंने भी इसमें मेल किया था, रिप्लाई नहीं आया। आप लोग इसमें मेल कर सकते हैं, आप लोगों का रिजोल्यूशन सॉल्व हो सकता है। लेकिन देखिए, हम जो रिजोल्व किए हैं फ्रेंड्स प्रॉब्लम, वो देखिए कि सोल्यूशन कैसे रिजोल्व किए हैं। देखिए, तो यहाँ पे आगे चलते हैं, इसको एस करेंगे। जब एस करते हैं तो ये ओपन होगा। जो ओपन होगा तो देखिए विंडो इस तरीके की आ गई। देखिए इसमें फ्रेंड्स क्या है, मैंने सुबह भी डिस्कस किया था, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर डालें। आप लोग रजिस्ट्रेशन आईडी डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, फिल करेंगे कंटिन्यू। जब कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ेंगे, तो जो आपका ओल्ड ओटीपी आया है, आपके मोबाइल नंबर और आपके मेल पे जो ओल्ड ओटीपी है, उसको आप करिए। पहले नहीं ले रहा था इनवैलिड, लेकिन अब क्या करें, अब लेगा सर्वर की वजह से। तो अब जब उसको करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। जब सबमिट हो जाएगा तो आपको फाइनल चेंज करने के लिए ऑप्शन आएगा, एक और फाइनल ओटीपी आएगी, और फाइनल ओटीपी आएगी उसमें जब आप सेंटर चेंज कर लेंगे, सेंटर चेंज करने में जब फाइनल ओटीपी आपके मोबाइल और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे, तो वो आपको ओटीपी आ जाएगी। आपको लॉगिन ओटीपी नहीं आ रही, लेकिन आपको रजिस्टर्ड जो ओटीपी है, जो आपको फाइनल लॉगिन ओटीपी है, तो आपको ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा फ्रेंड्स। तो वहां से आप डालकर इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए यही इसको कह, क्योंकि हमने काफी लोगों को किया है और काफी लोगों से बात भी किया, कमेंट जो काफी लोगों के आ रहे थे प्रॉब्लम के लिए, तो मैंने काफी देर तक रिसर्च किया, तो काफी लोगों का हुआ ऐसे फॉर्म फिल हुआ है। हमारे काफी कलीग्स थे, हमारे काफी फ्रेंड्स थे, और काफी हमारे स्टूडेंट्स भी थे। उन्होंने मुझे मैसेज भी कॉल भी करके बताया कि सर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा है इससे। तो जो भी लोग, जिन लोगों का भी नहीं हो रहा प्रॉब्लम सॉल्व, वो इस वजह से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा, अगर इससे भी नहीं हो पाता फ्रेंड्स, तो आप लोग पैनिक ना हो, क्योंकि देखिए इसका 2 स्लॉट्स है ऑलरेडी, 7 to 13 देन 20 to 24, मतलब काफ़ी दिन है फ्रेंड्स। तो आप लोग पास काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, और उसके बाद ऐसा नहीं कि सेंटर आप लोगों को सेंटर रेडी ऑलरेडी मिल जाएगा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा सेंटर वहाँ पे जितने होम टाउन है कोविड के से मैक्सिमम लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए पैनिक ना हो, मैं यही कहूँगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोग कमेंट किए थे सर क्या करें, क्योंकि होता है, हर कोई चाहता है कि जो पहले आए थे उसका पहले सेंटर लौटो सेंटर में। इस वजह से आप लोग थोड़ा भी पैनिक ना हो, और जैसे ही अपडेट आता है कोई भी, मैं आप लोग को सबसे पहले मैं आप लोग बताऊंगा। और मैंने देखिए काफ़ी हिसाब करके ये जो है सोल्यूशन रिजॉल्व किया है। तो आप लोग जरूरी, आप लोग कोई दिक्कत होता है, क्वेरी होता है, कमेंट बॉक्स से कमेंट करें, और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से जरूर उसको फॉलो करें। उसमें डेली पीडीएफ डालते हैं और उस पर हिंदू एनालिसिस भी देते हैं फ्रेंड्स। आज तक के इतना ही, फिर हम कर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। अगर आप लोग न्यू है तो जरूर करें, इससे आप लोग लेटेस्ट नोट मिलता रहे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।